हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। चैनल टू माय वेलकम, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपके इस नए ब्लॉग में। और पीछे अभी पहाड़ों पे गिर रही है बर्फ, मतलब मौसम आज काफ़ी ठंडा है। थोड़ी देर पहले थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये होने वाला छोटा सा ब्लॉग, और छोटा सा इसलिए होने वाला है क्योंकि आज एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी होगा वीडियो पे। एक्सपेरिमेंट यानी कि आपने अंडे तो बहुत खाए होंगे, उबले खाए होंगे, भुर्जी खाई होगी, हाफ फ्राई खाया होगा, उबला हुआ अंडा खाया होगा, लेकिन आपने कभी रोस्टेड अंडा नहीं खाया होगा, मतलब बिन छिलकों के। तो अभी मेरे पास है ये अंडा। ये देखिए, बिल्कुल ये दिन के टाइम में ही मुर्गी ने आज दिया था, हमारी मुर्गी ने। तो आज मैं इसी अंडे को जो है वो बिद छिलका भून के खाने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है, अंडा कहीं फटना चाहे कहीं पक, क्या देखते हैं क्या है, उबल जाता है कि पक जाता है कि जो भी है क्या बन जाता है। आग में डाल के पूरा ऐसे करके मैं इसको पूरा डाल दूंगा आग के अंदर, देखते हैं क्या बनता है। मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, पर अभी चल के करते हैं ट्राई, देखते हैं क्या बन जाता है अंडे का। ये बिल्कुल देसी अंडा है, देसी मुर्गी का। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अंदर, और अंदर जो आग जल रही है फुल पावर, सीधा ही मैं इसको आग में जाके जो वो डाल दूंगा। दोस्तों ये देखिए, पहुंच गए हम आग के पास। आग देखिए भरपूर जल रही है, और आग के ऊपर अभी बन रहा है, थोड़ा साग भी बन रहा है साथ में, और आग जो है वो लगे हुए लकड़ियाँ जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई है। और ये रहा अंडा, और ये रहा इसे कहते हैं हम चिमटा। ये देखिए इसके साथ अभी बिल्कुल भी, मतलब दिन के टाइम में दिया था मुर्गी ने अंडा, उठाते उठाते कहीं टूट ना जाए, और ये चला गया आग में। अब देखते हैं क्या होता है, पकता है कि फट, कहीं मेरे को लग रहा है कहीं फट ना जाए, है ना। देखते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा वो कर दे, आग कर दे, और सुधा इसको चिमटे से थोड़ा इसके ऊपर जो है वो अंगार जो है वो कोयले इसके ऊपर रख दिया। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या लगता है फट जाएगा। सब देख रहे हैं, इस साइड मम्मी भी बैठी हुई है, और इस साइड सुधा लगी हुई है अंडे की पूरी तरह से सेवा कर रही है ना। फटने वाला है, मेरे को लग रहा है फट गया होगा, शायद पीछे कर शायद लग रहा है मेरे को फट गया। देखते हैं, निकाल वाला फट गया, थोड़ा पीछे कर। मैंने सोचा पक जाए, फट गया। ओ यार, और ये ही अंडा सीधा ही फट गया, और अब ना बचा, ये हाफ फ्राई हो गया ना। और एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। ये देखिए अंडा पूरी तरह से फट गया है, थोड़ा सा रख दे आगे करके इस साइड से, देखते हैं हाफ फ्राई खाने लायक हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, अंडा किस तरह हालत होगी इसकी, पूरी तरह से फट के। मैंने सोचा नहीं फटेगा, लेकिन ये तो पूरी तरह से फट गया। एक्सपेरिमेंट पूरा फेल का फेल हो गया। अब कभी भी आग में जो अंडा है ऐसे ना डालें, मैंने पहली बार ये गलती की है आग में डाल के। ये देखिए अभी भी धुआं जो है वो अंडे से निकल रहा है, इस साइड से पूरा इसका छिलका जो है वो ब्लैक कलर का हो गया, यानी जल गया है, और इस साइड से इसकी निकल गई अंदर की जो भी होता है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, है ना, जो भी है पूरा निकल गया इसके। सुधा बोल रही है, मैं एक बार फिर से डालती हूँ, ले पकड़ डाल दोबारा से, क्या होता है अब आग ना बुझा दे कहीं। तो ये बोल रही है कि थोड़ा सा पीछे रखते हैं, देखते हैं पक जाता है, कम से कम हाफ फ्राई तो हो जाएगा अब, है ना, हो जाएगा। थोड़ा ज़रा खा के, कम आंच में पकाना भी, इसको मत करना दूर, मत करा, खाने लायक नहीं रहेगा। वैसे तो बचा ही नहीं है अब खाने लायक, पर देखते हैं अब अगर पक जाता तो। छिलका निकल गया इसका, जूली नहीं खाएगी इसको, हम ही खा लेंगे, देखते हैं। पक रहा धीरे धीरे, और छिलका भी ब्लैक होता जा रहा है, देख काला हो रहा है। चूल्हे बड़ा सेक लग गया, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, वो उबल रहा है। देखिए अब फिर से गैस इसकी पूरी जो हवा टाइट हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है पक भी रहा है ना, और धुआं भी चल रहा है साथ साथ में। ओ पूरा, और इसकी हवा पूरी निकल गई, पूरी टाइट हो गया। तो और यहाँ पे इन्होंने डाल दी मजाक में बात।